अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सायरा नास और मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपने नावल कोई लम्हा तेरे साथ का। किस शुरू करने से पहले आज आपसे एक सवाल करूँगी कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया या नहीं। नहीं किया तो कर लें, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चले फिर हम चलते हैं आज की किस की तरफ। कोई लम्हा तेरे साथ का, कैसी तलब और क्या अंदाज़े, मुश्किल है तकदीर बने। दिल पर जिसका हाथ भी रखियो, आखिर वो शमशीर बने। गम के रिश्ते भी नाजुक थे, तुम आए और टूट गए। दिल का वहशी अब क्या संभले, अब क्या शहर जंजीर बने। अपना लहू तेरी रानाई, तारीकी इस दुनिया की। मैंने क्या क्या रंग चुने हैं, देखो क्या तस्वीर बने। अपना ये आलम है कि खुद से भी अपने जहम छुपाते हैं। लोगों को ये फिक्र के कोई मौजूए तशहीर बने। तुमने फराज़ इश्क में सब कुछ खोकर भी क्या पाया है। वो भी तो नाकाम वफा थे जो गालिब और मीर बने। अहमद फराज। आओ बैठो। रिया चहलकदमी के इरादे से बाहर लॉन में आई थी, मगर सामने ही रखी कुर्सियों में से एक पर बड़ा जवान चाय पीते दाहिम को देखते उसकी तरफ चली आई। दाहिम ने उसको देखते ही बैठने की पेशकश की थी। वो इस वक्त गहरे नीले रंग के ढीले डाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बड़े आरामदेह अंदाज में बैठा था। वो शायद कुछ देर कबल ही दफ्तर से आया था, उसे रिया की आमद के मतलब पता चला था, मगर वह शायद अपने कमरे में थी, से वो बाहर चला आया। मैं बस कुछ देर टहलना चाहती थी, आपको देखा तो इधर मिलने आ गई। कहाँ होते हैं आप, मैं सुबह से आई हूँ और आप जनाब गायब हैं। रिया ने बैठने से माजत करने के साथ ही गिला भी किया था। है थी आंसर रिया सुमामा साहिबा ने कैसे हमें याद कर लिया। दाहिम ने हाथ में पकड़ा खाली कप सामने धरे मेज़ पर रख उसे छेड़ा था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, रिया ने बुरा मानते हुए पूछा था। मेरी इतनी मजाक, चलो मैं भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ। दाहिम डरने की दारी करते करते न जाने क्या सोचकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अब वो दोनों लान में लगी कुर्सियों पर घास पर साथ साथ चल रहे थे। दाहिम इससे पुप्पो और मामा की खैरियत से मुतल्लिक छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था। तुम खुश हो ना, इधर उधर की बातों के दरमियान दाहिम ने अचानक से पूछा था। रिया एकदम चौंक कर रुकी थी। यह सबको मेरी खुशी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, पहले मामा और अब आप, रिया जलाकर कहते एक बार फिर चलना शुरू कर चुकी थी। वो तो माँ है, ये फिक्र नहीं होगी तो फिर किसे होगी। दाहिम ने रसान से समझाना चाहा था। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, आप क्यों फिक्रमंद हैं। दाहिम इसके सवाल पर यकलक टूट गया था। उसे रिया से इस कदर साफ कोई की उम्मीद नहीं थी। वो लोग कजन्स थे, एक घर में रहते थे, उनकी आपस में अच्छी खासी बातचीत थी, मगर फिर भी रिया के इस सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया था। दाहिम के दिल में आया कि कह दे कि मैं तुम्हारी खुशी की परवाह ना करूँ तो फिर कुछ और भी ना कर सकूँ, मगर जब वो बोला तो उसके अल्फाज बिल्कुल बरक्स थे। तुम इस घर का हिस्सा हो तो फिर घर का फर्द होने के नाते तुम्हारी फिक्र करना एक फितरी अमल है। वैसे मुझे जुमर ने तुम्हारी जॉब छोड़ने का भी बताया था, क्या ये सही है। दाहिम ने उसकी तसल्ली कराते आखिर में सवाल पूछ लिया जिसके लिए वो उसके हम कदम हुआ था। रिया ने शाक किसी कैफे में उसे देखा था। इसे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि दाहिम इससे इस बारे में इस्तफसार करेगा। उसने गहरा बोझल सांस हवा के सपुट किया था। कुछ पल सोचने के बाद रिया ने उसे बताने का फैसला कर लिया था। उसे पता नहीं क्यों यकीन सा था कि इस वक्त इस मौजू पर दाहिम से अच्छा मशवरा इसे कोई नहीं दे सकता था। बैठ कर बात करते हैं, उसे सोच में डूबा देख दाहिम ने पास पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते कहा था। अब वो दोनों आमने सामने बड़ा जमान थे। रिया ने दोनों हाथ बीच में हाई मेज़ पर रखते दाहिम को समामा की इंसिक्योरिटीज़ के मतलब आगाह किया था कि वह कैसे पुप्पो और अंकल की मसरूफियात को लेकर अकेला पड़ा था और ये कि अब वो इससे क्या चाहता है। बच्चों वाली बात का जिक्र उसने नहीं किया था कि समामा को ढेर सारे बच्चे भी चाहिए हैं। समामा जैसे हालात के हामिल लोग काफ़ी पेचीदा शख्सियत के मालिक होते हैं और वह बहुत कम किसी के सामने खुलकर सामने आते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये लोग शादी के बाद अपनी बीवियों से ये सब शेयर करते हैं। कुछ लोग तशद्दुद पसंद भी बन जाते हैं जबकि कुछ ज़रा सी तवज्जो और मोहब्बत मिलते ही पिघलने लगते हैं। बहुत कम लोग दोस्तों से भी शेयर कर पाते हैं वरना वो नाम नहाद अना का बोझ ही दोते रहते हैं। तुम्हारी बातों से मैं यही अंदाज़ा कर पाया हूँ कि समामा भी तुम्हारी तवज्जो का दाई है। तुम अपनी मोहब्बत से उसे आसानी से आराम कर सकती हो। तुम इसे अपने हक में करने के लिए बहुत सब्र और एहतियात से काम लेना होगा। दाहिम ने इसके बाद ख़त्म होते ही अपना तज्ज़िया पेश किया क्योंकि काफ़ी हद तक तो हकीकत पर ही मबनी था। पप्पो या अंकल को लेकर उसने कोई तबसा करना ज़रूरी ना समझा था
कि सब का वक्त अब गुजर चुका था। दिल ही दिल में वो बुढ़िया को एक परेशान भी हुआ था, मगर चेहरे से उसने सब कुछ भी जाहिर न होने दिया था। इसलिए तो आपको ये सब बताया है कि आप सिलसिले में कोई कारामद मशवरा दे सकें। खामोशी से उसकी बात सुनती बुढ़िया ने इस पर एतबार करके ताहिम का सिर और खून बढ़ा दिया था। बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अपने किसी मसले से आगा कर सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी बेटों पर पूरा उतर सकूँ और इस मामले में तुम्हारी हर मुमकिन मदद कर सकूँ। उसके बाद पर बुढ़िया ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। उसके सवाली नज़रों पर वो मज़ीद गोया हुआ। तुम कोशिश करो कि समामा की हर बात में हाथ से हाँ मिलाओ, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम हर फैसले में उसके साथ हो। घर पर उसकी मौजूदगी के दौरान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारो, इसे अपनी भरपूर तवज्जो दो। इससे वो तुम पर भरोसा करने लगेगा और फिर तुम्हारी बात भी आसानी से मानने लगेगा। तुम्हारी छुट्टी के अभी 2 माह बाकी हैं, इस दौरान अपना सारा वक्त उस पर सर्व करो। और ये बस जॉब का सोच कर मत करना, बल्कि अपने रिश्ते को सोच कर करना कि वो सबसे अहम है। एक बार वो तुम पर एतबार करने लगेगा तो फिर तुम्हें अपना ख्वाब पूरा करने की इजाज़त भी दे देगा। ताहिम ने खलूस नियत से उससे बेरिया मशवरों से नवाजा था। अब इतने पर यकीन कैसे हैं कि वह मुझे इजाज़त लाजमी दे देंगे। बुढ़िया अपनी सारी उलझन में सुलझा लेना चाहती थी। देखो, उसके दफ्तर के औकात का सुबह 9 से शाम 7 बजे तक है। हफ्ते में कई बार उसे जल्दी भी जाना पड़ सकता और वापसी पर देर सवेर भी एक आम अमूल हो सकती है, जबकि तुम्हारा एक मुकर्रा वक्त होगा कि तुम सुबह 8 या 9 बजे जाकर हर 3 बजे तक घर आ जाओगी। ऐसे में समामा को नज़रअंदाज करने का जवाब ही बाकी नहीं बचेगा कि सुबह तुम उसके साथ ही जा सकती हो कि तुम्हारा कॉलेज के रूट पर ही है, या तुम फिर खुद भी ड्राइव करके जा सकती हो। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी वापसी पर तो वैसे भी तुम उसे घर में ही मिला करोगी, तुम्हारे पास इतना वक्त भी हुआ करेगा कि तुम आराम करके अपने दिन भर की थकान उतारने के बाद खुश दिली से उसका इस्तकबाल कर सको। अब बस तुम पर है कि तुम कैसे उसे अपने साथ का यकीन दिलाकर उससे अपनी बात मनवाती हो। तुम्हारे मामले में एक मस्बत पहलू ये है कि तुम टीचिंग कर रही हो। अगर तुम किसी दफ्तर वगैरह में मुलाजमत कर रही होती तो फिर मसला ज़्यादा गंभीर होता। कैसे में तुम दोनों ही एक साथ थके हारे घर लौटते और फिर शायद तुम समामा को इतना ताज़ा दम होकर वक्त ना दे पाती जितना कि वो तुमसे चाहता है। बहुत से मर्द ऐसे भी होते हैं जो इन बातों पर एतराज़ नहीं उठाते, बल्कि वो खुद को इस रूटीन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मगर समामा का मामला अलग है। उसने जिन हालात में अपना बचपन गुजारा है उसके बाद इससे हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि इस मामले में कोई लचक दिखाता। देखा जाए तो अपनी जगह दुरुस्त है। वो मर्दों के तबके से हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ अपनी बीवियों के लिए संभाल कर रखते हैं। समामा भी यही कर रहा है। बहरहाल, तुम्हारी जाड़ का शार्प टाइम होना तुम्हारे लिए किसी गायबाना मदद से कम नहीं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर तुम्हें इजाज़त दे देगा। दूसरा, तुम्हें अपने घर बनाने के लिए भी ज़्यादा ताकत सर्व करनी पड़ेगी। कोशिश करना कि तुम लोगों की गुफ्तगू कभी बहस का रूप ना डाले, वरना वो भी फिर ज़िद में आ जाएगा। ऐसा कभी होने लगे तो फौरन गुफ्तगू का रुख मोड़ देना। इस सब में बस अपनी इज्जत नफ्स को मत कुचलना। बाज़ूकात हमें लोगों को गलत भी बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर बस ये ख्याल रहे कि वो गलत तुम्हारी ज़ात को कोई नुकसान ना पहुँचाए। कभी ज़िंदगी में महसूस करो कि एक गलत सहना अपने ऊपर जुल्म के मुतरातिफ होगा तो फिर हाथ बढ़ाकर इस गलत को रोकना तुम पर लाजी है। बाकी जब भी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। ताहिम ने अपनी बातों से साबित किया था वो कमज़ोर नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बुढ़िया की बात सुनते ही उसे समामा के ख़िलाफ़ भड़का भी सकता था। मगर वो सच में उसका खैर ख्वाही था जो उसने इस कदर जामे और मुदल्लल अंदाज में उसकी तशवी करवाई थी। अपनी बातों पर ताहिम ने बुढ़िया के चेहरे पर एक तमानियत से दराती महसूस की थी। उसने उसी पर अपने रब से उसके इत्मीनान के दायमी होने की दुआ मांग ली थी। बहुत शुक्रिया आपके इस कदर कारामद मशवरों का। मुझे यकीनन अब पता है कि मुझे क्या करना है। बुढ़िया ने अपने एहसासात को अल्फाज का पैराहन पहनाते अपनी शुक्रगुजारी उस पर वाजिया की थी। ताहिम इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वो उसे क्या बताता हूँ कि इसका तो काम ही उसके लिए बेहतरी की दुआ करना था। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, तुम इस घर का हिस्सा हो। घर के किसी भी फर्द की परेशानी मुझसे जुदा तो नहीं। बस दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। ताहिम की बात पर बुढ़िया ने सिद्क के दिल से आमीन कहा था। इन लोगों की बात जारी थी जब गेट पर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार के गेट खोलने पर समामा अपनी गाड़ी अंदर लाया था और दोनों ही खुश दिली से उसकी तरफ बढ़े थे। बुढ़िया, तुम तो शादी से पहले गालबन जॉब करती थी ना, तो फिर अब क्या इरादा है? जॉब छोड़ दोगे या जारी रखोगी? वो दोनों इस वक्त शादी की दावत के सिलसिले में दाशाब के घर पर मौजूद थे। जब आनिया दाशाब के सवाल पर वो पल भर को चुप रह गई थी, उसने एक चोर नज़र इनसे ज़रा फासले पर दाशाब से महवे गुफ्तगु समामा पर डाली थी और फिर सोचते आनिया की तरफ मुतवजा हुई थी। इस बारे में अभी कुछ फाइनल नहीं किया मैंने, अभी मेरी एक माँ की छुट्टी बाकी है तो इसलिए अभी कुछ सोचा नहीं है। बुढ़िया ने उसे गोलमोल सा जवाब देते टालना चाहा था। समामा भाई ने क्या कहा इस बारे में? क्या वो तुम्हारी जॉब के हक में है? बुढ़िया जितना इस मौजू के इधर जेर बहस लाने से गुरेज बरत रही थी, आनिया इतना ही इस बात को तोड़ देने की कोशिश में मसरूफ़ थी।
इनकी शादी को 1.5 माह से जायद का अर्सा हो चुका था और इन गुजरे दिनों में नीलम और यूसुफ साहब वापस अपने साहब का मसरूफियात में उलझ चुके थे, जबकि बरिया ने ताहिम की हदायत के मुताबिक अपनी भरपूर कोशिशों से समामा का अच्छा खासा एतमाद हासिल कर लिया था। वह अब अक्सर उससे ज़िद करके अभी छोटी मोटी ख्वाहिशात मनवाने लगी थी, मगर यह एक ऐसा मौजू था जिस पर पैरों से वापसी के बाद इनके बीच कोई बात ना हुई थी। बरिया आजकल में समामा से बात करने का इरादा किए हुए थी, मगर यूँ इस तरह किसी के घर में उससे बहस कर छेड़ना उसे किसी तौर गवारा ना था, मगर अब जवाब देना भी नागुजर था कि अदानिया दिलजमी से उसकी तरफ मुतवज्जो थी। समामा और दाशाह भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। खिलाफ तवक्का समामा कुछ भी कहने के बजाय मुंतजर नजरों से बरिया की तरफ देख रहा था। वो भी शायद बरिया का जवाब सुनने का मुतमन्नी था। बरिया ने कुछ सोचते हुए अब इस बात को आपात लगाने की ठान ली थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समामा की तरफ से तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, उन्होंने इस फैसले का इख्तियार मुझे दिया है, बरिया ने धड़कते दिल के साथ अपनी बात मुकम्मल की थी। इस दौरान उसने समामा की तरफ देखने से इज्तना बरता था, उसकी समायतें उसकी सिमटी लगी थी, मगर खिलाफ तवकास ने एक बार भी कुछ ना कहा था। जहाँ तक मुझे इलम है, समामा तो ख़वातीन की जाप के सख्त खिलाफ हैं, आनिया ने जाने किस बदते पर यह बात की थी। इस बात पर बरिया ने चौंक कर समामा की तरफ देखा था कि यह बात उसे कैसे पता है। हैरान मत हो, एक बार हमारे घर में ही इन दोनों के साहिबान की इस मौजू पर बहस हुई थी, सो इसलिए मैंने ये बात की। उसके यकदम समामा की जानब देखने पर आनिया ने अपनी बात की वजाहत की थी। नहीं, मैं तो बस इसलिए हैरान हो रही थी कि समामा ने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। असल में वो इन ख्वातीन की मुलाजमत के ख़िलाफ़ हैं जो कि अपनी जाब की वजह से अपने घर बार और शोहर को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिनके औकात कार का कोई महसूस दौरानिया नहीं होता, जबकि मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। मैं अगर जाब जारी भी रखती हूँ तो भी समामा के नज़रअंदाज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी जाब का दौरानिया 9 से 2 है और समामा की वापसी 7 से 8 के दरमियान होती है, तो इनके घर आने पर मेरी गैर मौजूदगी क्योंकि दुखी नहीं बनती। बरिया ने सारा हिसाब किताब लगाते बड़े स्वभाव से अपनी बात अपने शोहर तक पहुँचाई थी। दाशाब की नज़रों में उसके लिए वाजह स्थाई शुभ थी, तो किसी हद तक ऐसे किसी भी सिलसिले को लेकर अपने दोस्त की सोच से आगा था, सो इसे समामा की मुश्किल खामोशी से समझने में चंद पल लगे थे कि बरिया ने दरपरदा अपने दिल की बात अपने शोहर के शोर के गोश के जार की थी। समामा अलबत्ता बेतासुर चेहरे के साथ इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, और अगर समामा भाई ने इजाज़त ना दी तो आनिया ने एक और सवाल दागा था, और इस बार बरिया ने जवाब देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लिया था। समामा जानते हैं कि ये मेरे लिए सिर्फ लाजमत नहीं बल्कि मेरा ख्वाब है, और मुझे पूरा यकीन है कि समामा मुझे अपने ख्वाब की तबीयत से कभी ना रोकेंगे। बरिया ने इस बार बराह रास्त समामा की आंखों में देखते अपनी बात मुकम्मल की थी। उसकी निगाहों में एक मान, एक इल्तजा और एक आस भी थी। इसके यूँ देखने पर समामा के लबों पर एक मुस्कुराहट सी भी थी। वो बिना कुछ कहे इसकी नज़रों में झांक रहा था, और अगर इस पेज तुम एक्सपेक्ट कर गई तो फिर। इन दोनों के शोहर साहिबान की मौजूदगी में आनिया के ये सवाल बरिया को सत्ता पासूद कर गया था। बरिया को इससे इस कदर बेबाकी की तवक्को ना थी, मगर उसे शायद कोई फ़र्क ना पड़ता था। वो चंद सानिया कुछ बोल ही ना पाई थी। उसने एक पल को समामा की तरफ देखा था और इसकी सवालिया नज़रों का इशारा समझते रोया हुई थी। तब तो मैं खुद ही इस बारे में सोचना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि इस एहसास से ज़्यादा फ़र्क बख्श तो कुछ भी नहीं। बरिया की बात पर जहाँ समामा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट उम रही थी, वहीं दाशाब ने एक जिताती निगाह अपनी बीवी पर डाली तो जो इस बात पर पहलू बदल कर रह गई थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम माँ बनने के लिए अपने ख्वाब से दस्तबरदार हो जाओगी? क्या ये तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी? तुम्हें नहीं लगता कि ये अपने पैरों में बेड़ियाँ डालने जैसा है? आनिया ने कदर तलखी से अपनी बात मुकम्मल की थी। बेड़ियाँ कैसी? माँ बनना तो हर औरत का शादी के बाद का अव्वलीन ख्वाब होता है। ममता का रुतबा पाते ही औरत मुकम्मल हो जाती है, तो इसके लिए अपनी ज़ात से वाबस्ता तमाम ख्वाब इसके औलाद से मुंसलिक हो जाते हैं। इसका अपना तो कुछ रहता ही नहीं। मेरा मानना है कि ऐसे में इसकी अव्वलीन तरजीह उसकी औलाद ही होनी चाहिए। बरिया ने खुशजोशी खिताबत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपनी बात मुकम्मल की थी। बेहतरीन, बिल्कुल ठीक कहा बरिया, एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। दाश आपकी बात पर न जाने क्यों बरिया को लगा कि उसने ये बात बतौर खास आनिया को सुनाने के लिए की है। आपका मतलब है कि औलाद के आने का मतलब है औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अपनी मर्ज़ी से अपने कुछ कर ही नहीं सकती? आनिया का लहजा अपनी बात के दौरान कदर तेज़ हो गया था। बिल्कुल भी नहीं, औरत को पूरा हक है कि वो अपने लिए सोचे, मगर वो अपने औलाद की तरफ किसी कोताही के मुर्तकिब नहीं हो सकती। जब एक माँ की गोद में बच्चा आता है तो ना सिर्फ एक वजूद नहीं आता बल्कि उस माँ पर पूरी एक नस्ल की जिम्मेदारी आ जाती है, जो उसे हर हाल में अहसन तरीके से निभानी चाहिए। दाशाब ने उसे रसान से अपनी बात समझानी चाहिए थी। समामा तो पहले ही चुप था और बरिया भी एक खामोश तमाशाई बन चुकी थी। हम शायद मौजू से खट रहे हैं। इधर बात औरत की शादी के बाद मुलाजमत करने की हो रही थी। समामा ने पहली बार उस पर इस सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। मेरे ख्याल में तो ये दोनों मौजू ही एक दूसरे के साथ वाहि मुंसलिक हैं,
और मेरा मानना है कि औरत की अगर कोई मजबूरी लायक नहीं है कि वो लाजमी शादी के बाद जॉब करे तो फिर से एक माँ बनने की सूरत में पहले अपने औलाद को वक्त देना चाहिए, बाद में किसी और चीज़ को। नाशर अपने मजबूत लहजा अपनाते पुरजोर अंदाज में समामा की बात का जवाब दिया था। मगर हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे होते भी हैं जिनके लिए जॉब करना एक मजबूरी है, तो उनका क्या? आनिया ने चुपते लहजे में इस्तफसार किया था। मैंने भी शायद यही बात की है कि अशद मजबूरी से हटकर अगर ये शौक है तो बेहतर है कि पहले अपने औलाद को तरजीह दी जाए। नाशाब ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते इस बात की अपनी बात मुकम्मल की थी, यानी कि औरत को बिना वजह ही अपनी खुशी से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। आनिया ने एक और सवाल डाला था, तब तक के लिए ज़रूर जब तक उसका बच्चा उसकी गोद से निकल कर अपनी मदद की काबिल नहीं हो जाता। अगर मजबूरी हो तो बात अलग है, ये नहीं कि अपने शौक़ की तकमील के लिए अपने बच्चे को मुलाजमन के सर पर छोड़ कर खुद खिदमत खल का फरीजा सर अंजाम दिया जाए। इस बात जवाब समामा की तरफ से आया था। मेरे ख्याल से हमें इस्लाह हासिल बहस को यही समेट देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय रखते हैं। इस मामले में सबका एक ही नुकता पर मुत्तफिक होना नामुमकिन है कि हर किसी का इस चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है, मगर एक बात अटल हकीकत है कि औरत के लिए उसके घर बार बच्चे इसकी अवलिन तरजीह होने चाहिए। नाशाब ने समामा के लहजे से छलकती छलकी के पेश नज़र इस बहस को अब यही ख़त्म कर देना मुनासिब समझा था। हमें भी अब निकलना चाहिए, वक्त काफ़ी हो गया है। उसके बाद के अख्ताम पर समामा ने भी इजाज़त ली थी। समामा, बनिया यकीनन एक बेहतरीन शरीक हयात हैं, सो इसकी कदर करना। उससे गले मिलते नाशाब ने उसे ताकीद करना ज़रूरी समझा था। समामा मुस्कुरा कर सर हिलाते गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। बनिया, तुम अपनी जॉब जारी रख सकती हो, मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम ममता की दहलीज पर नहीं बैठ जाती। गाड़ी सड़क पर लाते ही समामा की आवाज़ बरिया की समातों से टकराई थी। सच्ची, बहुत शुक्रिया, इसने फरते मुसर से चीखते समामा के बाजू के गिरदा अपने दोनों हाथ बांधते उसे लिपट कर अपनी खुशी और तशक्कुर का इजहार किया था। तुमने ये बातें मुझसे क्यों नहीं की? समामा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते पलक उसकी तरफ देखते सवाल किया था। मैं आजकल मैं आपसे बात करने का सोच ही रही थी, मगर आनिया ने यह मौजू छेड़ दिया तो मुझे लगा कि शायद यही मुनासिब वक्त है आप तक अपनी बात पहुँचाने का। आपको बुरा लगा क्या? बरिया ने वजाहत करते पूछा था। नहीं, कोई बात नहीं, समामा ने सादगी से कहते बात समेट दी थी। समामा, चंद पल की खामोशी के बाद बरिया ने कुछ सोचते हुए समामा को मुखातिब किया। उसने हंकारा भरते बरिया को अपनी बात जारी रखने का अंदिया दिया था। ये आनिया कुछ अजीब सी नहीं, कुछ तीखे मिजाज की लगी मुझे तो, बरिया ने अपने दिल की आवाज़ को लफ्ज़ों का रोक दिया था। होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समामा ने तीन जुमलों में ही बात ख़त्म कर दी थी। क्या आनिया, रिया को समझ ना आई थी कि वो कैसे समामा से ये पूछे, मगर वो बिन कहीं उसकी पूरी बात समझ गया था। शायद इसलिए वो इतनी तलख हो रही थी। समामा के सर हिलाने पर बनिया ने अपनी राय दी थी। बाकी सारा रास्ता वो लोग इसी मौजू पर बात करते आए थे। मेरे ख्याल है कि अब हम इसे अलग सुना सकते हैं, ली ने बिस्तर पर नींद दराज होते अपने बेटे की तरफ इशारा करते बिस्तर की दूसरी जानी मुझे अपनी बीवी को मुखातिब किया था। आप इसकी वजह से परेशान होते हैं तो मैं इसे लेकर अलग कमरे में सो जाया करूँगी, मगर ये अलग नहीं सोएगा। रिया ने इसके बात को समझे बगैर अपनी ही मर्ज़ी का उल्टा मतलब निकाला था। तुम जानती हो कि मेरी बात का ये मतलब नहीं था, डी ने बुरा मनाए बगैर आसान से अपनी बात इस तक पहुँचाई थी। आप भी जानती हैं कि मेरी यहाँ मौजूदगी की क्या वजह है, अब मुझसे जो चाहते हैं वो मेरे बस में नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बंजर ज़मीनों पर कभी फूल नहीं खिला करती। रिया ने दिल गिरफ्तगी से अपनी बात मुकम्मल की थी। इसके लहजे की वीरानी पर डी का दिल कट गया था। रिया, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी इस कमरे में मौजूदगी का जो जवाब तुम देती हो वो हरगिज़ नहीं है, पर किसने कहा कि तुम बंजर हो? अपने रब से कभी भी ना उम्मीद नहीं होते, अगर चाहे तो सहरा को भी नखलिस्तान बना सकता है। वो रब जो नमरूद की बढ़गई आँख को गुलजार बना सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो अपने बंदों की बेसकूनी को सुकून में बदल दें। बात सिर्फ इस यकीन की है जो हमारी दुआओं के मुस्तजाब होने के लिए ज़रूरी है। डी ने एक बार फिर नरमी से उसे कायल करने की कोशिश की थी। रिया ने इसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा कर इन दोनों के बीच लेटे अपने बेटे को थपका था, शायद जो कि शायद उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब हुआ था। डी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा कि शायद वो जवाब में कुछ कहें, मगर उसे नज़रें चुराए पूरी तरह अपने बेटे की तरफ मुतवज्जो थी। डी, मेरी एक बात मानेंगे? जब उसकी खामोशी से पूरी तरह मायूस होकर करवट के बल लेटा तो रिया की सरगोशी भरी आवाज़ उसकी समायतों से टकराई थी। वो शायद बेटे के आराम के ख्याल से यूँ बोल रही थी, अगर मानने वाली हुई तो ज़रूर। डीन उसकी तरफ करवट लेते कहा था, आप शादी कर लें, अब कब तक इस बेरंग रिश्ते का बोझ लोटे रहेंगे? ज़िंदगी पर आपका भी उतना ही हक है
जितना कि किसी और का, तो फिर क्यों वहाँ उठ गई हंसर आपके पीछे अखवाल कर रही हैं। दिया की बात पर उसके चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। और अपने बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा जिंदगी पर कोई हक नहीं? डी ने छुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया था। वो कितनी आसानी से अपनी बातों से उसका दिल छलनी कर गई थी। हम जैसों का ज़िंदगी पर कोई हक नहीं होता। रिया के लहजे की यह सीट डी ने अपनी रग रग में उतरती महसूस की थी। तुम क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें करती हो, उसने दुख भरे लहजे में इस्तफसार किया था। ये मायूसी नहीं, हकीकत पसंदी है। रिया का अंदाज खनूस कायम था। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? डी ने महूम से उम्मीद लिए पूछा था कि शायद मनपसंद जवाब मिल जाए। मुझे नींद आ रही है, आप मेरी बात पर सोचिएगा ज़रूर। रिया ने बात मुकम्मल करके करवट के बाद लेटते आंखें मोड़ ली थी। बहुत शुक्रिया इस नादर मशवरे के लिए, मेरे ख्याल में मुझे वाकई अब इस पर सोच लेना चाहिए। चंद सानियों पर डी की बातें रिया की आंखों से नींद उड़ा दी थी। वो खुद तो कुछ देर में सो गया था, मगर रिया सारी रात करवटें बदलती रही थी। अब इतना तो उसका भी हक था कि वो अपनी ही कहीं बात में जकड़ी जाती।